HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आपके मुरादाबाद में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो दो बच्चों की माँ है, लेकिन खुद को कुंवारी बताती है और लोगों को ब्लैकमेल करती है। दरअसल एक महिला ने पुलिस को राघव शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला ब्लैकमेलिंग का निकला। इसके बाद पुलिस ने रेनू के बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जांच की गई, तो पता चला ये महिला ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे लूटती है। फिर पुलिस ने राघव शर्मा को थाने बुलाया तो उसने पुलिस से कहा कि महिला ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर सेल्फी फोटो लेकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वो एक पुलिस सिपाही के साथ होटल में भी पकड़ी जा चुकी है और इसके गिरोह में कई लोग शामिल हैं जो वसूली गई रकम में साझेदार होते हैं। एसओ आशीष श्रीवास्तव बताया कि महिला ने रेप की तहरीर दी थी। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये लोगों को दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल करती है और उनसे मोटी रकम वसूलती है। कई लोगों को ये अपने झांसे में फंसा चुकी है। रेप का मामला भी झूठा पाया गया। अब तक आधा दर्जन लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी रेनू अब सलाखों के पीछे है। अब पुलिस को उन लोगों की तलाश है जो इस महिला से ब्लैकमेल हो चुके हैं और डर की वजह से सामने नहीं आए।